नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा में और आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं आप लोगों की ब्रह्मश्री विकास मंच फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयकांत जी से। तो आखिर ये जो फेडरेशन है, आखिर क्या क्या कार्य करती है, देश के किन किन क्षेत्रों में और किन किन लोगों की मदद करती है, आगे की इनकी क्या रणनीति है, आइए खुद हम जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रीय समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया बंधुओं को। सर, ब्रह्मश्री विकास फेडरेशन है जो, वो देश के लिए क्या क्या कार्य कर रही है? पहले मैं बता दूं कि ब्रह्मश्री नाम से, ब्रह्मश्री एंड विकास, ब्रह्मश्री एक विचारधारा है, ज्ञान का सार है। ब्रह्मश्री वो है जो पूरे विश्व का कल्याण चाहता है और ब्रह्मश्री विकास, तो अभी ब्रह्मश्री विकास माने ब्रह्मश्री नंदनों का कैसे विकास कर सके, इसके लिए संगठन हमने बनाया है और ये पूरे भारत वर्ष में अभी 26 राज्यों में चल रहा है। आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, तमिलनाडु, आपका केरला, कर्नाटका, मुंबई में महाराष्ट्र, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही प्रभावी प्रसार गडकरी के नेतृत्व में, राजस्थान में आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर में मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इस तरह से हम सबको एकजुट कर रहे हैं। एकजुटता लाने के बाद क्या होता है कि जो हम संगोष्ठी करते हैं, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग करते हैं, जो वीकली मीटिंग करते हैं, इस मीटिंग के माध्यम से सभी कोई अच्छे उच्च अधिकारी भी आते हैं मीटिंग में, तो किसी को रोजगार चाहिए होता है तो आपस में ही मदद हो जाता है, तो एक अच्छा अनुभूति हो रहा है। दूसरी बात, इसका जो उद्देश्य है हर क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन के लिए पिछले लॉकडाउन में हमने बहुत बड़ा काम किया है। मदद के तौर पे खास करके दिल्ली शहर की बात करें तो जितने भी प्रवासी हैं, जो भी ब्रह्मश्री नंदन या प्रवासी में जितने भी लोग हैं, जो भी निडी रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में 70 से 80 लाख का राशन हमने बंटवाया है। कहाँ कहाँ संस्था से मतलब मांग के वहाँ से सहायता लेके किया। इस लॉकडाउन में भी 7000 घरों में राशन पहुँचाने का हमने काम किया दिल्ली एनसीआर में। और इस बार जो हमने देखा कि खास करके मीडियम फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिनकी नौकरियाँ छूट गई थी, वो लोग बैचलर की तरह रह रहे थे, अपने फैमिली को गाँव छोड़ आए हैं, बहुत सी चीज़ें, उनके खाने का दिक्कत आ रहा था, तो उसके लिए हमने खाने का पैकेट ऐसे बहुत 14000 से ज्यादा लोगों में हमने डेली करीब करीब कंटिन्यू 1.5 महीना चला है। ये जो संस्था है मुख्य रूप से, जैसे आपने कहा कि 26 राज्यों में एक्टिव है, तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा किस राज्य में एक्टिव है? सबसे ज्यादा बिहार में है, झारखंड में, दिल्ली एनसीआर में, तीन जगह पे समझिए कि पैरेलल, जितना बिहार में है उससे ज्यादा कहीं दिल्ली एनसीआर में। लगभग कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं पूरे देश से? सोशल मीडिया के माध्यम से आप कहेंगे तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं इसमें, लेकिन यदि ग्राउंड से आप सदस्यता जो प्राप्त किए हैं वो करीब करीब 5-6 हजार। आगे आपका क्या रणनीति है? आगे हमारा है कि ये संस्था जो है गैर राजनीतिक है, प्योरली गैर राजनीतिक है, इससे हम बड़े बड़े कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, लघु उद्योग के माध्यम से अधिक रोजगार देने की कोशिश हमारी होगी पूरे देश में और खास करके युवाओं के लिए बहुत ज्यादा कार्य करेंगे। आपके दाएं और बाएं में जो बैठे हैं इनका परिचय करवाइए, क्या है? ये हमारे विकास पांडे जी हैं, इनकी आज ही बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे सक्रिय सदस्य रहे हैं, लेकिन इनको फॉर्मल तरीके से क्योंकि लॉकडाउन के उपरांत हमें कार्य करनी थी, अनाउंसमेंट करनी थी, तो आज इनका अनाउंसमेंट हो गया है और ये नोएडा प्रभारी पद पे मनोनीत किए गए हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय नीति कमेटी और दिल्ली एनसीआर नीति कमेटी के तरफ से अप्रूवल मिला, अनुशंसा हुआ इनकी, मेरी भी अनुशंसा थी, मेरी भी अप्रूवल रही है सहमति और इनको नोएडा प्रभारी के तौर से मनोनीत किया गया है। विकास जी, जैसा कि आपको नोएडा का प्रभारी बनाया गया है तो संस्था से जुड़ कर इतना से जुड़े, तो जैसा कि बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन इतना से कागजी तौर पे आज जुड़े हैं, कैसा लग रहा है और आगे इनके साथ जुड़ना? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो हम
परमार्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन जी को आभार और धन्यवाद करते हैं, और जो मुझे पदभार दिया गया है उसके लिए हम दिन रात खड़े रहेंगे, और हमारे जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो मुझे कार्यभार दिया गया है उसके लिए नोएडा दिल्ली एनसीआर का, और जो भी लोग हैं आए हुए प्रवासी लोग हैं उनके लिए हम 24 घंटा तत्पर रहेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कमल नैन झा जी हैं, इनको भी राष्ट्रीय नीति कमेटी और प्रदेश नीति कमेटी दिल्ली एनसीआर के तरफ से सहमति मिली, मेरी भी सहमति थी, और बहुत ही अच्छे बहुत दिन से जुड़े, बिहार से ही जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत एक्टिवली है सोशल मीडिया पे, हर जगह ये तत्पर रहते थे, तो हमें लगा कि इनका नियुक्ति होना चाहिए, हमने रिकमेंडेशन किया और इनका सहमति हो गई और इनको मनोनीत किया गया है नोएडा महासचिव के पद पर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो नोएडा महासचिव पर आपको जैसा कि नियुक्त किया गया है तो इस संस्था के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद और सदा भारी रहूंगा जयकान भैया के लिए, क्योंकि हमें इस पद के लिए अनुग्रहित समझे और इस पद के लायक समझे। और मेरा जो दूसरा जो कार्य है, जैसे जितने भी रोजगार के क्षेत्र में जैसे जयकान भैया जो बता रहे थे कि सबको रोजगार देना, ये सब जो जितना कार्यभार है जितने बायोडाटा आते हैं तो उनको कहाँ कहाँ पे इनको रोजगार दे रहे हैं लॉकडाउन में, या जहाँ पे जिनको जरूरत हो, जो भी ब्रह्मर्षि विकास के फाउंडेशन या ब्रह्मर्षि लोगों जो भी जरूरत हो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से कोशिश करता रहूंगा, और सदैव और तत्पर ही ब्रह्मर्षि के लिए हमेशा कार्य के लिए बिल्कुल अग्रेसिव रहूंगा, ये नहीं कभी पीछे हटूंगा। जो भार का भार दिया गया है मुझे और जिस तरह से हमको नियुक्त किया गया, जुड़े हुए थे काफी दिन से थे, महाराज जैसे कि आज बताए नहीं है कि विकास पांडे जी और मुझे कागजी तौर पे नियुक्त किया गया है, तो इस कार्यभार को हमेशा करता रहूंगा और आगे की नीति भी चलती रहेगी। जुड़ने के लिए हमारा बहुत से ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम भी है, और आपका इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक के माध्यम से भी, मैसेंजर पे भी, फेसबुक पे फेडरेशन के नाम से फेसबुक है, उसमें जुड़ सकते हैं। कोई कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहेंगे? हाँ जरूर, कॉन्टेक्ट नंबर आप ले सकते हैं हमारा 999005312 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और भी बहुत सी चीजें याद नहीं है तो मोबाइल से लेकर आपको बता सकते हैं, राष्ट्रीय कमेटी में बहुत सी जो भी जुड़ना चाहते हैं खासकर के नोएडा के लिए, तो नोएडा के लिए हम प्रसारित करेंगे नंबर, अभी हम सोशल मीडिया पर भी हम इनकी परसों इनकी सोशल मीडिया पर भी अनाउंसमेंट होगा जिसमें इनका नंबर दिया जाएगा, तो जो नोएडा में और जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो कॉन्टेक्ट करेंगे उस नंबर पर और इनसे मदद लेंगे और जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। लास्ट सवाल, देश की जनता जो युवा है खासकर हिंदू, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश के जितने भी युवा हैं हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना जो मूलभूत संस्कार है संस्कार को बनाए रखें, क्योंकि और खास करके गीता गौ गंगा, गौ गीता गंगा इन चीजों पर जरूर ध्यान देंगे, इनको माँ समान और गीता को एकदम पवित्र परमात्मा समान माने और इनका अध्ययन करें तभी ज्ञान होगा, और जब हम संस्कार में रहेंगे तो हमारे द्वारा अच्छे काम होंगे, और अच्छे काम होंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में तरक्की होगा, समाज में एकता आएगी। तो हम सभी युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि जितने भी युवा साथी हैं वो पुरानी बातों को छोड़ें, जो पुरानी बातें कही जाती है कि वो उस जाति का है तो कभी मिल नहीं सकता, वो उस जाति का है तो मिल नहीं सकता है, वो एक नया जोश के साथ एकजुटता और नई टेक्नोलॉजी के तरफ नई दिशा की तरफ चले और बेहतर तरीके से चले, एकजुटता दिखाएं और देश में विकास कैसे हो इसके विकास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, ये थे हमारे साथ ब्रह्मर्षि विकास फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकांत जी, जिन्होंने देश के युवाओं को भी जुड़ने के लिए अपने से की कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, तो जो भी देश के युवा जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे भी ब्रह्मर्षि विकास फेडरेशन के नाम से आप सर्च करके इनसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।